नव पंचम योग राजयोग तब बनता है जब कोई ग्रह से नवे या पंचम कोई ग्रह ऐसा माना जाता है जो शुभ होता है या किसी किसी राशियों के लिए शुभ होता है। जैसे अभी 7 जुलाई को आपका शुक्र ग्रह जो है वो कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है और मीन राशि में पहले से ही राहु जी विराजमान है, तो इस तरीके से शुक्र से पंचम राहु का योग बन रहा है। शुक्र पंचम राहु और शुक्र में आपस में नव पंचम योग बन रहा है, तो कुछ राशियों के लिए यह परिवर्तन जो है राशियों का सकारात्मक प्रभाव देने वाला है और कुछ के लिए नकारात्मक भी देगा। चूंकि शुक्र और राहु आपस में मित्र ग्रह कह सकते हैं, या चूंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं और यह शनि और राहु केतु इनके मित्र माने जाते हैं। तो किन राशियों पर प्रभाव? मुख्यतः मिथुन राशि है आपकी, मिथुन राशि के लिए विशेष लाभप्रद होने वाला है यह गोचर। और इसके बाद आपका कर्क है, कन्या है, इन राशियों के लिए विशेषकर लाभप्रद रहने वाला है यह परिवर्तन।